Alright, so hello everyone, assalamu alaikum. Welcome to our 13th workshop of Deep Learning Masterclass, which is Convolutional Networks in PyTorch. And sorry for being late. I just got slept just 10 minutes before the class. Could see a better way to get in the RIT, but doesn't never mind. So I told them that within 5 minutes I'm coming. It's like, today's workshop is very simple. कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप लोग कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क समझ चुके हैं. सो वी गोना जस्ट सी टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन इन पाइटॉर्च. सेम वर्कशॉप रखी है मैंने, डिफरेंट ही रखी है. जस्ट पुलिंग अप माय स्क्रीन. बस ये है कि मॉडल थोड़ा टाइम लेता है, पता नहीं क्यों, ट्रेन होने के अंदर एज कम्पेयर टू ट्रांसफर फ्लो वन. रीज़न ये कि शायद इसकी एक्यूरेसी टेस्ट के अंदर मैंने बहुत जिस दफ़ा डिफाइन किए एक्यूरेसी ऑफ ट्रेन अलग आ रही है, एक्यूरेसी ऑफ कार अलग आ रही है. तो ये काम हम टेंसर फ्लो में भी कर सकते हैं. सब यही कोड आप लोग उठा के कॉपी पेस्ट करना, वेरिएबल नेम चेक कर लेना, तो इट दिस वर्क कैन बी परफॉर्म देयर एज वेल. सो ओके ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एनीवन प्लीज लेट मी नो कि काम हमारा बिल्कुल अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा, नज़र आ रहा, सब कुछ नहीं आ रहा, ठीक है. और जिन दो स्टूडेंट्स ने, मुझे याद नहीं आ रहा कौन दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क परफॉर्म किया कैट्स एंड डॉग के डेटा सेट के ऊपर, आई सिंपली लाइक इट. मुझे आज वही करना था, फिर मैंने वापसी से FAR10 पे ले आया हूँ, क्योंकि उन्होंने कैट्स एंड डॉग्स पर कर दिया है. और कैट्स एंड डॉग ईजी भी था. FAR10 मैंने देखा सबसे अभी तक का कॉम्प्लेक्स डेटा सेट यही है जो फिल्टर डेटा सेट्स है, उनके अंदर बात की जाए तो. उसके अलावा कोई डेटा सेट है जो कि वो अच्छा चल रहा है, सो वो होता है फैशन एमिस्ट का. और वो बहुत सिंपल है यार, मतलब उसके अंदर चीज़ें क्या है, 10 चीज़ें हैं उसमें भी, बस पिक्सल्स बहुत कम है, वो आराम से ट्रेन हो जाता है. तो फिर अभी तक FAR10 है, इसके अलावा FAR100 है. FAR100 गोना टेक सम टाइम इन दी रियल क्लास, तो वो आगे के लिए रख लेते हैं. अभी अभी छोटे छोटे मॉडल है CNN टाइप, तो अभी वापसी हम FAR10 के ऊपर आ रहे हैं. उसके बाद इंशाल्लाह किसी एक वर्कशॉप के अंदर हम अपना मॉडल, अपने डेटा सेट खुद डिज़ाइन कर रहे होंगे, जैसे हमने एक दो में मशीन लर्निंग के वर्कशॉप्स के अंदर भी ऐसा किया था. सो ऑलराइट, सो हियर इन CNN एंड PyTorch वी जस्ट सिंपली हैव टू इंपोर्ट सम लाइब्रेरीज, व्हिच इज इंपोर्टिंग टॉर्च, टॉर्च विजन, टॉर्च विजन टू ट्रांसफॉर्म, जस्ट ट्रांसफॉर्म, ये तीनों की इंपोर्ट कर रहे हैं हम. टॉर्च PyTorch पूरा आ गया. टॉर्च विजन जस्ट लाइक अ कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी ऑफ PyTorch, ठीक है. फिर उस टॉर्च विजन के अंदर से हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म्स को इम्पोर्ट किया. नाउ व्हाट इज ट्रांसफॉर्म हेयर, डेटा हमारे पास जो भी आ रहा होता है तो हम उसको विद इन द लेयर, जब हमारे पास डेटा आ रहा है मतलब इमेज की फॉर्मेट के अंदर जो भी है, हम उसको टेंसर के मुताबिक नॉर्मल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि टेंसर में वो कन्वर्ट हो जाए. फॉर एग्जांपल हम करते हैं ना, एक इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास इमेजेस आ रही हैं, फिर हम उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा मॉडल इमेजेस समझता है, हमारा मॉडल नंबर समझता है. तो यहाँ पे हमारे पास इमेजेस होती हैं, उसको हम किस पर ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, टेंसर्स के अंदर. फिर हमारे पास वो टेंसर्स में ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, फिर उसको नॉर्मलाइज भी कर रहे होंगे जस्ट बाय यूजिंग दिस मेथड ऑफ टॉर्च विजन. सो वी गोना लुक एट इट इन आवर कमिंग सेल. और वो ये यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म डॉट कॉलम कंपोज. और असल इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास ये है, वैसे तो अगर आप ये ना भी यूज़ करो ना तो थोड़ा सा एक्यूरेसी के अंदर फर्क आएगा, लेकिन आपके पास कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी. क्यों, क्योंकि डाटा यू नो बाहर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, नॉर्मलाइज नहीं है, अननॉर्मलाइज डाटा है, लेकिन हमारे पास डाटा की जो इनपुट टाइप है वो बिल्कुल प्रॉपर है, तो एक्सेप्शन थ्रो होने की कोई तुक बनती नहीं है. लेकिन अगर हमारे पास इनपुट ही बिल्कुल डिफरेंट आ जाए, वो इंतजार करके बैठे मेरे पास नंबर आएगा, आप एकदम उसके अंदर इमेज शेयर कर दी, अब जैसे ही इमेज इनपुट आ रही होगी तो वो कहेगा भाई क्या आ गया, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी. इट इज़ वाई वी हैव टू मेंशन हेयर ट्रांसफॉर्म्स टू टेंसर. जो भी डेटा होगा हमारा क्या होगा, टेंसर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. जब टेंसर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारे पास, हम नॉर्मलाइजिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें क्या मेंशन कर दिया, 0.5 0.5 0.5. ये क्यों कर दिया हमने, बिकॉज हमारी नॉर्मलाइजिंग टेक्निक ये है, हम नॉर्मलाइज रेंज ये रखनी है -1.1. तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम सिर्फ ये वैल्यूज डालते हैं, ठीक है. अभी मुझे भी समझ नहीं आया क्यों, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ इनपुट हेयर. तो डिटेल जाने की जरूरत नहीं है क्यों डालते हैं, तो हमें क्योंकि हमें रेंज चाहिए, सो दैट इज वाई वी आर हैविंग दिस वैल्यू. और यही डालते आ रहे हैं हम लोग वैसे,
तो अगर हाँ अगर आप चाहो तो 0.0 भी डाल सकते हो, फर्क कुछ नहीं होगा, आपकी रेंज बढ़ जाती है, कम हो जाती है, इस तरह की सीम्स होते हैं, नेगेटिव साइड पे और बढ़ जाएगी, पॉजिटिव साइड पे कम हो जाएगी, तो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी डालना चाहो डाल सकते हो। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डिफाइन हो गया। अब हमारे पास होगा ट्रेन सेट और टेस्ट सेट डाउनलोड कि ठीक है, तो कैसे होगा, हमने बोला टॉर्च विजन डॉट डेटा सेट्स डॉट सिफार 10। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कल हमने सिफार 10 को डाउनलोड किया था टेंसर फ्लो के ही डेटा सेट की लाइब्रेरी से, आज हम डाउनलोड कर रहे हैं सिफार 10 पाइटॉर्च की लाइब्रेरी से, जो कि टॉर्च विजन के साथ लिंक्ड है। हमने पाथ दे दिया यहाँ पे, कहाँ पे दे दिया, हमने बोला ये हमारा पाथ है, रूट इज बेसिकली डिफाइनिंग लोकल पाथ। ठीक है, हमारा लोकल पाथ कहाँ पे होगा, अभी हमारा अभी देखो सेशन नहीं कनेक्ट नहीं हुआ, तो मैं आपको दिखाता कि रूट बेसिकली कहाँ बता रहा है हमको, अभी तो टाइम दे रही है। सो इफ आई शो यू, और ये मुझे पहले रन करना पड़ेगा आई गेस, या तो अब यहाँ पे हमारे पास जो पाथ होगा अभी देखो डाउनलोड हो रहा है, ये एक्सट्रैक्ट होने लग गया, अब डाउनलोड भी हो जाएगा पूरा। अरे ये तो पूरा डाउनलोड ही नहीं हुआ, 98% पे आकर रुक गया ये तो, ये कैसे हुआ, ऐसा भी होता है यार, हो गया। अच्छा मुझे लगा कि शायद नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पे हमारे पास डाटा डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तुम्हारे पास ये पूरा का पूरा डाटा इधर पर डाउनलोड हो गया। अब बेसिकली क्या था हमारे पास, हमारे पास ये एक एक तरीके से तार फाइल है, जिप फाइल है, लेकिन ये इसका फॉर्मेट अलग है, डॉट टार डॉट जी जेड, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, लेकिन ये भी कंप्रेस्ड फाइल होती है। उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, और एक्सट्रैक्ट करने में हमारे पास कुछ इस तरह का फाइल्स सामने आ गई है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे ट्रेन सेट के अंदर भी ये लगाया हुआ है और टेस्ट सेट के अंदर भी ये लगाया हुआ है, बस फर्क क्या है कि हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कौन सा हमारे पास टेस्ट है, कौन सा हमारे पास ट्रेन है, कैसे, पूरा का पूरा सेम कोड है ये भी और ये भी। फर्क क्या है, हमने यहाँ पर ट्रेन इक्वल टू कर दिया और ट्रेन इक्वल टू फॉल्स कर दिया। जब ट्रेन इक्वल टू फॉल्स कर दोगे तुम्हारे पास टेस्ट सेट डाउनलोड हो जाएगा, जब आप ट्रेन इक्वल टू कर दोगे तो आपके पास ट्रेन से डाउनलोड हो जाएगा। अभी कोड कहाँ से मेरे पास समझ में आया, सीधा सीधा आपने पाइटॉर्च की डॉक्यूमेंटेशन खोलनी है, आपको लिखा मिल जाएगा कि हाउ टू डाउनलोड द पाइटॉर्च डेटा सेट्स। अब पाइटॉर्च के एक ही बहुत सारे डेटा सेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें से एक सिफार 10 क्योंकि सिमिलर था, मैंने वही यूज़ कर लिया, फैशन एम इजी है, सिफार 10 अभी तक के लिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक लेवल का है, अदरवाइज बाकी सारा आसान है आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा ट्रांसफॉर्म इज ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे आपको अपनी टेक्निक मेंशन जरूर करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आपने ये ना डिफाइन किया हो, आपने बोल दिया ट्रांसफॉर्म इज ट्रांसफॉर्म, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे और डायरेक्ट आपका डाटा आपने डाउनलोडिंग पे लगा दिया, डाउनलोड तो डाटा आपका हो जाएगा और डाटा आपका इसमें साइन भी हो जाएगा, इन अ फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट्स इन एन एरे ऑफ इमेजेस ऑब्जेक्ट, लेकिन क्या फ़ायदा होगा, नॉर्मलाइज नहीं होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा आपका डाटा, तो आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टेक्निक मेंशन करनी पड़ेगी। अच्छा ये तो हमारे पास इन दो जगह पे हमारे पास डाटा डाउनलोड हो रहा है, जो कि ट्रेनिंग का और टेस्ट सेट का है। इधर हमारे पास क्या हो रहा है, डाउनलोड तो हमारे पास हो गया और हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे। अब पाइटॉर्च के अंदर क्या तरीका है इसको लोडिंग करने का, उसका तरीका सब यही है, टॉर्च डॉट डिटेल्स डॉट डेटा डॉट डॉलर डेटा लोडर। इस क्यों करते हैं हम कि अगर हमें डेटा को शफल कराना हो, बैच साइज में बताना हो, तो हम एट अ टाइम लोडिंग ऑफ डेटा सेट इन टू एन स्पेसिफिक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट हम ये काम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मैंशन किया टॉर्च डॉट डिटेल्स डॉट डेटा डॉट डेटा लोडर, हमने यहाँ पे ट्रेन सेट मेंशन किया, बैच साइज मेंशन किया 4, जैसे हम बैच साइज 5 ही मेंशन कर सकते हैं, या हम बैच साइज 5 ही मेंशन कर सकते हैं, तो बैच साइज मेंशन किया 4, शफल इज इक्वल टू किया 2, नंबर ऑफ कॉलम्स किया 2। अच्छा विंडोज में होंगे ना तो नंबर ऑफ कॉलम्स आप 2 ही रखना, यहाँ मैं लिख दूँ विंडोज के अंदर, विंडोज में एरर जनरेट कर देगा नंबर ऑफ कॉलम्स 0 इन विंडोज। चार्ज में इतफाक से गिटहब पर डालना भूल गया हूँ, सो नो वरीज, वर्कशॉप के बिल्कुल एंड के अंदर आप लोगों को सामने में डाल दूंगा। सो यू नो हाँ, बस ये 2 मत लिख देना पूरा, नहीं तो ये कोड चलेगा नहीं, फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो सेम कोड यहाँ पे भी चल रहा है हमारे पास, इसका वैसा ही 4 है, बस यहाँ पर टेस्ट सेट मेंशन कर दिया हमने, शफल इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया, इसको ट्रू कर भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फॉल्स कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट इस पर सेम ही आता है।
या फिर शफल की जरूरत पड़ती है जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि शफल में ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। जब सीखना होता तो वहाँ काम को आगे पीछे कर देते हैं कि भाई पहले ये सीखो, फिर 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 ये सीखो। तो मॉडल का सही मायने में तभी अंदाजा होता है कि वो कितना सीख रहा है। लार्मा सीखते चला जाएगा तो कहेगा आप सब तो आराम सीख गया, कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन अगर आप सारा सो घुमा फिरा के सिखाओगे और उसमें भी वो सीख जाता है और वाकई सीख जाता है, सो इट मीन्स इट्स रियली वर्किंग प्रीटी गुड। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये सारा डाटा डाउनलोड हो गया। क्लासेस जैसे हमने उस दिन मेंशन की थी, मतलब कल मेंशन की थी, परसों मेंशन की थी, प्लेन, कार, बर्ड, कैट, डियर, डॉग, फ्रॉग, हॉर्स, शिप, ट्रक, वो सारी क्लासेस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पास होनी चाहिए, क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की लैब जैसे हमको मिला। सो सो इट हेयर वी जस्ट हैव डाउनलोडेड आवर एंटायर डेटा सेट। टेंसरफ्लो के अंदर ये काम सिर्फ एक लाइन में हो रहा था, अगर इफ आई रिमेम्बर इट, एक या दो लाइन के अंदर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स के अंदर हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजिंग की टेक्निक आपको यहाँ से मेंशन करनी पड़ती है, उसके बाद डाउनलोड करना पड़ता है, डाउनलोड करने के बाद लोड अलग से करना पड़ता है फॉर बोथ टेंसर फ्लो एंड टेस्ट सेट, ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट। तो हमारे पास दोनों काम हो गए, एंड देन सेम गोज फॉर क्लास एज वेल। क्लास तो हमारे पास आ गई है, मतलब डाटा हमारे पास आ गया है। अब डाटा को जरा देखना भी है कि डाटा हमारे पास कैसा है। अब आप चाहो तो पूरा पूरा वही टेंसरफ्लो वाला कोड इस्तेमाल कर लो, जिसमें आपके पास पूरी की पूरी 25 इमेजेस आ जाती हैं, या फिर आप जल्दी अगर आप कुछ करना हो तो आप आराम से ये काम कर सकते हो। अच्छा ये देखो, यहाँ पे ग्रेड्स हटाना भूल गया हूँ, वाई टिक्स और वाई एक्स टिक्स और वाई टिक्स हटाना भूल गया हूँ, तो उसको भी आप सामने उठा लेते हैं, नेवर द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया डेटा सेट को, इम्पोर्टिंग मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एस पी एल टी, इम्पोर्टिंग नंपा एस एन पी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने इमेज का फंक्शन बनाया है, इमेज इक्वल टू इमेज डिवाइड बाई 2 + 0.5। क्यों कर रहे हैं, ऊपर हम इसी यही तो हो रहा था हमारे पास, ऊपर हमारे पास डाटा क्या हो रहा था, नॉर्मलाइज हो रहा था, अननॉर्मलाइज। अच्छा, क्योंकि ये डायग्राम मेरे पास सही नहीं बन रही थी, फिर मैंने ये फॉर्मूला लगाया है, तब जाके डायग्राम सही थोड़ी सी आई है, क्योंकि ये अननॉर्मलाइजिंग का फॉर्मूला था, मैंने फॉर्मूला लगाया। उसके बाद नंपाई इमेज में मैं गया, इमेज डॉट नंपाई, ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज निकाला। तो ये सारा मैंने भी खुद नेट पे देखा कि यार ये क्या हुआ, क्योंकि यार इसके अंदर टेंसर पाइथन के अंदर ना डाटा बिल्कुल इस तरीके से इम्पोर्ट हो रहा है कि आप विजुलाइज ना करो, आप डायरेक्ट ट्रेन करो हाथ के हाथ, क्योंकि हम लोगों ने खुद से डाटा दिया नहीं है कि आप उसको देख सकें। ठीक है, अगर आप डाटा खुद अपलोड कर रहे होते और फिर दे रहे होते तो वो उस पर सीन बिल्कुल अलग होता है, जो कि हम आगे नेक्स्ट वीक की वर्कशॉप में देख रहे होंगे। यहाँ पे सीन हमारे पास कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। तो उन्होंने हमारे पास डाटा बिल्कुल इस फॉर्मेट में दिया है कि फटाफट आप बस मशीन लर्निंग की वर्कशॉप के अंदर चला दो, एंड यू जस्ट हैव टू डू नथिंग एल्स इसके अलावा। ओके, सो गोइंग फर्दर, सो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन के बाद हमने बोला डेटा आइटर, मतलब डेटा आइट्रेशन हो रही है हमारी, हमने एक फंक्शन यूज किया है जो कि आइट्रेशन का है, यहाँ पे हमने डाल दिया ट्रेन ऑर्डर। अच्छा ये आइटर अब फंक्शन कहाँ से आया, अगर कोई पूछा आपसे कहाँ से आया भाई, तो ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन होता है, आइटर या आइट्रेट करता है डाटा के ऊपर। ठीक है, तो ट्रेन ऑर्डर किसके बाद, ट्रेन ऑर्डर क्या है हमारे पास डेटा सेट है जो हमने यहाँ पे इम्पोर्ट किया है अपने डाउनलोडेड डेटा सेट के अंदर से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डेटा सेट पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने आइट्रेशन लगा दिया, फिर हमने बोला इमेजेस कॉमा लेबल्स इज इक्वल टू डेटा आइटर डॉट नेक्स्ट। तो ये भी हमारे पास इसका पाइथन का बिल्ट इन यू नो एट्रीब्यूट है। तो हमारे पास यहाँ पे इससे इमेजेस और लेबल्स इसमें यू नो रिटर्न करा रहा है ये। हमारे पास जब इमेजेस और लेबल्स रिटर्न हो गए, सो नाउ वी कैन यूज अ दिस फंक्शन इमेज शो का। ऊपर हमने सब डिफाइन किया था, यहाँ पे हम बकायदा यूज करेंगे इमेज शो, टॉर्च विजन डॉट ट्यूटोरियल्स डॉट मेक ग्रेट इमेजेस। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी इमेजेस होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब फॉर नाउ अभी हमारे पास हम लोगों ने सब चार करनी है, तो हम चार ही करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन क्या किया, फॉर जे इन रेंज 4, तो चार ही करेंगे। तो हमने यहाँ पे इमेज शो की टॉर्च विजन डॉट ट्यूटोरियल्स डॉट मेक ग्रेट इमेजेस और प्रिंट कर दिया। यहाँ पे क्या किया हमने, हमें स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर दिया जो हमारे क्लास के लेबल्स थे। तो हमारे पास क्या हुआ कि कौन कौन सी ये इमेजेस हैं हमारे पास, उसकी पहचान क्या है हमारे पास एज ए लेबल, वो भी नीचे प्रिंट हो गया। अब आप देख सकते हो कि दो शिप्स हमारे पास, दो दफा शिप लिखा आ गया, फ्रॉग आ गया और फिर बर्ड आ गया। अब अगर उसको रिमूव करना हो
एज यू गाइस ऑलरेडी नो कैसे रिमूव करते हैं इसको, तो क्या लेट जस्ट डू इट। ठीक है, हमारे पास उसके सारे के सारे रिमूव हो गए। अब क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम अभी दोबारा रन कर रहा है तो डायग्राम चेंज हो गई, ठीक है, क्योंकि कोड अभी दोबारा रन करता जा रहा हूँ मैं। तो अब हमारे पास क्या है, हॉर्स है, ये प्लेन है, ये वैसे दूर दूर तक तो प्लेन लगी है लेकिन है वैसे ये प्लेन ही प्लेन है, फिर हॉर्स है और फिर कैट है, एंड वी आर हैविंग द सेम लेबल्स हियर। अभी तो खैर मशीन लर्निंग प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है, हमारे पास डेटा है जो हमारे पास डेटा बेस हम देख के बता रहे हैं। सो नाउ फॉर नाउ वी हैव वेरीफाइड कि हमारे पास डेटा सेट आ गया है, हमारे पास डाटा डाउनलोड हो गया है, हमारे पास सब कुछ पड़ा है। अब हमको असल काम करना जिसके लिए हमारी वर्कशॉप है वो है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की। सो हियर यू गोना डिफाइन अवर सीनियर नेटवर्क, जो कि मैंने बहुत सिंपल बनाया है, इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नहीं बनाया। सो लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी इन प्रैक्टिस हियर। इम्पोर्टिंग फंक्शनल एपीआई फ्रॉम टॉर्च, और न्यूरल नेटवर्क का भी मॉड्यूल हमने इम्पोर्ट कर लिया। ये फंक्शनल एपीआई है, ऑलवेज रिमेंबर, जैसे हम लोग हमने कल टेंसर फ्लो में बनाई थी, ये पाइटॉर्च की फंक्शनल एपीआई है। और ये हमारे पास न्यूरल नेटवर्क का मॉड्यूल है, जैसे हमारे पास केरास के से न्यूरल नेटवर्क बना रहे होते हैं तो हमारे पास ये पाइटॉर्च के लिए यूज हो रहा होता है। ठीक हो गया। नाउ हियर क्लास नेट, हमने एक क्लास बना ली अपनी जो कि न्यूरल नेटवर्क के लिए परफॉर्म होगी, और हमने मेंशन कर दिया एन एन डॉट मॉड्यूल। बेसिकली हमने क्या करा, ये पास करना बहुत लाजमी होता है, जब आप कॉल कराओगे तो यहाँ पे आप नेट कॉल करा रहे होंगे। अब आपको लोगों का सवाल होता है कि उस जगह भाई हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एन एन डॉट मॉड्यूल, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्यों नहीं डाल रहे होते हम जब हम लोग नेट ऐसे कॉल करा रहे होते हैं। अरे भाई ये नेट जो है हमारे पास एज अ कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, हमारे पास कंस्ट्रक्टर कहाँ डिफाइन किया, ये तो कंस्ट्रक्टर जो डिफाइन हुआ है पाइथन में कंस्ट्रक्टर इनिट के नाम से डिफाइन होता है, ठीक है, हमने बोल दिया सेल्फ। अब जो यहाँ पर आ रहा होगा वो उसमें अपने आप आ रहा होगा, कुछ भी कर लो वो आ रहा होगा, और उसके मुताबिक हम लोग जो भी हैं अपनी कॉन्वो लेयर्स या जो भी हमने लेयर्स बना रहे हैं न्यूरल नेटवर्क से इम्पोर्ट करते हुए वो बन रही होंगी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि हम एरन डॉट मॉड्यूल ट्रांसफर करें इसमें, पास करें रि करें। अच्छा, हेयर वी आर हैविंग सुपर नेट सेल्फ डॉट इनिट, जो कि हमारे पास सुपर आ गया जस्ट फॉर यू नो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक। हमें जब क्लास को कॉल करना होगा बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर तो हमारे पास एरन डॉट मॉड्यूल अपने आप इसमें आ जाएगा। एंड देन वी आर हैविंग सेल्फ डॉट कॉन्वोल्यूशन वन इज इक्वल टू एन एन डॉट कॉन्वो 2D365। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वो वाली टेक्निक नहीं है जो हमारे पास कल वाली थी, कल हम लोग लेयर्स डॉट काम कर रहे थे, हमारे पास कोई क्लास का काम नहीं था। यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क जो होगा वो किस तरह कॉल होगा, नेट के थ्रू, क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो अब हमें सारी की सारी चीज़ें कहाँ एम्बेड करनी पड़ेंगी, क्लास के अंदर एम्बेड करनी पड़ेंगी। अब क्लास से एम्बेड करने का तरीका क्या है कि हम सेल्फ डॉट जो भी चीज़ें होंगी उसके एट्रीब्यूट बनाते चले जाएं, ठीक है। सो लेट जस्ट सी, तो यहाँ पे हमारे पास सेल्फ डॉट कॉन्वोल्यूशनल वन इज इक्वल टू एन एन डॉट कॉन्वो 2D। ये हमने इसका यू कैन से इनपुट डाल दिया है, इनपुट डालने में भी हैव मेंशन सेल्फ डॉट पूल एन एन डॉट मैक्स पूल 2D, तो मैं 2x2 डाल दिया। आप चाहो तो सेम जो कल के पैरामीटर्स थे हमारे 64x3x3 आप वो भी डाल सकते हो। ये बताने का मकसद ये कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, ये वेयर्ड न्यूरल नेटवर्क होगा, रैंडम थॉट्स के मैं एक एज अ बिगिनर न्यूरल नेटवर्क बनाने जा रहा हूँ, और वो कैसे बन सकता है अगर मैंने अपनी मर्जी से डेटा दिया उसको। सो वी गोना सी दैट कैसा बनेगा। अब से हमने पूलिंग दे दी है मैक्स पूलिंग 2D 2x2 की, फिर हमने एक सेकंड कन्वोल्यूशन लेयर बना दी है 6x16x5। अब आप देख रहे होंगे वाकई ये डेटा को ज़्यादा ही वेट जा रहा है, लेकिन वेट जाने दें ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि वेट जाने से ही पता चलेगा हमारे को हम सबको कि हमारे पास डेटा किस किस फॉर्मेट के अंदर और किस किस एबिलिटी के साथ ट्रेन हो सकता है। अगर मैं डाल दूं वही वो डेटा जो टेंसरफ्लो के अंदर डाला हुआ, तो इट्स प्रिटी प्रॉपर अमाउंट ऑफ लेयर्स जो हमने वहाँ मेंशन की हुई है। तो वो अगर काम आप पाइटॉर्च पे करेंगे, जो कि आपका आज होमवर्क होगा लेयर्स आर डील करना, तो यू कैन आई कैन श्योरली गारंटी यू कैन अचीव 95% और 90% ऑफ एक्यूरेसी। और मैं देखना चाहूंगा कि मंडे से पहले कौन ये काम करेगा,
सीएनएन के अंदर इसी डेटा सेट के ऊपर 95 या 90% एक्यूरेसी अचीव करके लिया है, और विदाउट यू कैन से टेस्ट सेट के ऊपर, नॉट ट्रेनिंग सेट के ऊपर, ताकि मुझे अंदाजा हो कि डेटा ओवरफिट तो नहीं हो रहा। ट्रेनिंग सेट पर आप 95 लिया होगे आफ्टर सम ट्रायल्स, लेकिन टेस्ट सेट पर 95 लाना चलेगा पता। सो देखते कौन लेकर आता है, जो लेकर आएगा आई एम गोना मेंशन इन द क्लास के ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। उसके अलावा अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकता उसके साथ में। सो हेयर देन वी आर हैविंग सेल्फ डॉट एफ सी वन। हमारे पास एक नई लेयर होगी जो कि लीनियर की होगी। जब भी हमारे पास कोई लीनियर लेयर होती है हम क्या मेंशन करते हैं, एफ सी मेंशन कर रहे होते हैं। इट्स अ कूल टेक्निक इन पाइटॉर्च। तो सेल्फ डॉट एफ सी वन, सेल्फ डॉट एफ सी टू, सेल्फ डॉट एफ सी थ्री, हमारे पास तीन लीनियर लेयर्स हैं आफ्टर टू कॉन्वोल्यूशन लेयर्स। तुम्हारे पास डेटा का पहले इनपुट इस तरह के फॉर्मेट के अंदर आया, फिर इस तरह के फॉर्मेट के अंदर आया, फिर इस तरह के फॉर्मेट में, और आउटपुट किस फॉर्मेट में दिया हमने, 10 के फॉर्मेट में दे दिया। अब पायटॉर्च में कहानी बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर आप लोगों को पता हो, डेटा हमारे पास इस तरह का इनपुट आ रहा है, आउटपुट ये जा रहा है, फिर आउटपुट इसने ये दिया तो हमारे पास यहाँ पे ये इनपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या आउटपुट दे दिया हमने, 84 दे दिया। अब जब इसके पास 84 इनपुट आ रहा तो यहाँ पे बाहर क्या जाएगा, 10 आउटपुट आ जाएगा। अब जब 10 आउटपुट आ जाएगा तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, चेंज नहीं होने लगा। देन यू आर हैविंग फॉरवर्ड फीड फंक्शन हेयर। हमने यहाँ पे भी सेल्फ को मेंशन कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स है। सो लेट्स सी, तो एक्स इज इक्वल टू सेल्फ डॉट पोल, एफ डॉट वैल्यू, सेल्फ डॉट कॉन्वोल्यूशन वन एक्स। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, हम फीड फॉरवर्ड के अंदर बस सिंपली तौर पे अपने एक्टिवेशन फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं कि किस तरीके से उन सबको काम करना है। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया एफ डॉट डेलू, एफ डॉट डेलू हेयर। तो यहाँ पे हमने सेल्फ डॉट कन्वोल्यूशन वन और सेल्फ डॉट कन्वोल्यूशन टू दोनों ही मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, अब कन्वोल्यूशन वन के अंदर हमारे पास एक्स है, कन्वोल्यूशन टू के अंदर हमारे पास एक्स है। एक्स हमारे इनपुट्स होंगे, वो यहाँ पे भी जा रहे हैं, यहाँ पे भी जा रहे हैं, और उनके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन भी अप्लाई हो रहा है, और वो डेटा रिटर्न होकर कहाँ पे आ रहा है, एक्स के अंदर आ रहा है। अब अगर इसको थोड़ा सा समझें प्रोग्रामिंग के काम क्या हो रहा है, तो जब सबसे पहले हमारे पास जब मेन फंक्शन होगा ना, ये फॉर एग्जांपल कॉल हो रहा होगा फॉरवर्ड का, फॉर एग्जांपल, तो क्या हो रहा होगा कि हमारे पास आया एक्स इज इक्वल टू सेल्फ डॉट पुट। अब एक्टिवेशन फंक्शन ना हो रहा है किससे अप्लाई, सेल्फ डॉट कन्वर्शन वन पे, और हमारे पास एक्स इनपुट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्स जो इनपुट है सबसे पहले जाएंगे इसके अंदर सेल्फ डॉट कॉन्वोल्यूशन। हमारे पास ये लेयर डिफाइंड है डेटा गैस के अंदर, उसके अंदर ये वहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई था, और उसके बाद इस पूलिंग के अंदर आया है। पूलिंग के अंदर आने के बाद डेटा हमारा कहाँ पे गया, एक्स में गया। फिर जो डेटा हमारा इस एक्स में होगा वो डेटा हमारे पास जाएगा सेकेंड लेयर के अंदर, इसका रिजल्टेंट जो भी निकल रहा होगा हमारे पास वो कहाँ पर आ रहा होगा, इस एक्स के अंदर। फिर हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया अपनी मर्जी की शेप के अंदर, के भाई इसको आपको हर सूरत जो है ना इस ट्रांसफॉर्मेशन में बदलना है। किस ट्रांसफॉर्मेशन में बदलना है, 16 by 5 by 5 जो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है। इस तरह पर आपको हर सूरत बदलना पड़ेगा उसको। जब इस तरह पर आपको बदल लिया, उसका बोला एक्स इज इक्वल टू एफ डॉट डेलू सेल डॉट एफ सी वन। अगर आपको याद है तो हमने ये काम पहले किया हुआ है, पाइटॉर्च की जो इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप थी, तो ये काम हम दोबारा कर रहे हैं, हम इसको रीशेपिंग कर रहे हैं। देन वी आर हैविंग और एफ सी वन एंड एफ सी टू हेयर, जिस तरह हम लोग कॉन्वोल्यूशन हेयर पाया ऊपर, और हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इस पर हमने एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर दिया रेलू का, और ऑफ कोर्स लीनियर डेंस, हमारे पास डेंस लेयर होती है ना बेसिकली, यहाँ पे लीनियर के नाम से रिप्रेजेंट की जाती है। फिर वजह से आप उसके ऊपर सॉफ्ट मैक्स का एक्टिवेशन फंक्शन लगा दो, या फिर आप उसके पास रेलू का एक्टिवेशन फंक्शन लगा दो, लीनियर का लगा दो। अब सवाल ही पता होता है कि हम उसको लीनियर से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, क्योंकि लीनियर इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द एक्टिवेशन फंक्शन हेयर, लीनियर लेयर है। हमारे पास सिंपल से एक सीधी सी लेयर होती है जो कि न्यूरल नेटवर्क में यूजुअली हमारे पास नॉर्मली होती है, दैट इज व्हाट वी आर मेंशनिंग हियर। लेकिन जो कॉन्वोल्यूशन लेयर हमारे पास टैग की फॉर्मेट में होती है, तो इट हैज डिफरेंट नेम। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। देन वी आर हैविंग अ रेलू फंक्शन ऑन बोथ बोथ डेंस लेयर, जो कि हमारे पास लीनियर के नाम से होती है पाइटॉर्च के अंदर। एंड इन आवर थर्ड लेयर वी आर जस्ट हैविंग अ सिंपल बेस ऑफ आउटपुट। ठीक है, हमारे पास सिंपल डेंस लेयर है, हमारे पास जो भी डाटा होगा उसके अंदर से पास आउट होकर आ रहा होगा, और इन अ फॉर्म ऑफ 10, इन अ शेप ऑफ 10, और वी हैव मेड अ न्यूरल नेटवर्क मॉडल कंप्लीट हेयर। हमारा पूरा पूरा नेटवर्क आर्किटेक्चर डिजाइन हो चुका है। अब हो क्या रहा है, हमारे पास बिल्कुल वही मॉडल है,
बस हमारे पास कॉन्वोल्यूशनल स्टैक्स डिफरेंट आ गए हैं, डेटा आ रहा है 3 बाय 6 के 5, पता नहीं जो भी मैंने डाला उसके अंदर आ रहा है, फिर वो चला गया 16 बाय 5 या 5, अच्छी खासी अमाउंट के अंदर वापसी 120 में डाइवर्ज हो गया, फिर वापसी 84 में डाइवर्ज हो गया, फिर वापसी वो 10 में डाइवर्ज हो गया, डाइवर्ज बोलेंगे कन्वर्ज बोलेंगे, कन्वर्ज हो गया, एंड देन जस्ट गॉट इंटरशिप ऑफ 10, हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब ये इसका एक्यूरेसी पे इम्पैक्ट जरूर आएगा उसकी बात है, लेकिन यही तो आज आपका होमवर्क होगा, हमें सब ये देखना था आज का पाइटॉर्च इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। तो ये हमारा न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन हो गया है, इसको भी हम ट्रेन नहीं कर रहे, ट्रेन आगे नहीं करेंगे, ट्रेन करने से पहले हम क्या करेंगे, हमें अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की जरूरत है, जो कि हमारा है लर्निंग रेट और ऑप्टिमाइजर फंक्शन। ऑप्टिमाइजर फंक्शन हमारा कौन सा होगा, हमने यहाँ पे लिया स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट, आप चाहो एडम भी ले सकते हो, एडम कैसे लेते हैं यहाँ पे, सो यू कैन सी एडम ऑप्टिमाइजर, इट्स नॉट बैड टू यूज गूगल इन एनी काइंड ऑफ वर्कशॉप, ठीक है, तो टेंशन मत दिया करो यार कि गूगल पे देखना पड़ेगा, हमें याद नहीं होता, गूगल पे अगर बंदा ना देखे तो कोई भी डीप लर्निंग इंजीनियर के लिए कोई भी कोई कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल लग रही है मुझे इसकी डॉक्यूमेंटेशन, मैंने बड़े अरसे बाद खोली ये वाली साइट, और लग जाएगा बता आप लोगों को, खैर इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों को सब आरडम एडम यूज़ करना है फिलहाल तो, ठीक है, आप अभी तो मैं एजीडी यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग एडम यूज़ कर देना और देख लेना क्या रिजल्ट बन रहा है, एंड देन लेट मी नो एज वेल रिजल्ट क्या हो रहा है। जो आप लोगों से जो प्रैक्टिशनर्स होंगे ना, वो ये काम रोज करते होंगे, वो करते आ रहे हैं, ठीक है, देर आर नियरली 6 to 8 कॉन्टेक्ट्स, डिस्कॉर्ड पे मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, लेकिन देर आर 6 to 8 कॉन्टेक्ट्स जो कि रियल टाइम के अंदर डेली बेसिस पे चीज़ें शेयर करते रहते हैं मुझसे, मैं उनका जवाब इतफाक से 24 घंटे या 36 घंटे बाद या 48 आवर्स के बाद दे रहा होता हूँ, बट व्हेन आई सी आई फॉल इन लव विद दोस गाइस कि यार वो काम तो कर रहे हैं ना, एटलीस्ट इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर जस्ट अहेड ऑफ एवरी वन, दे आर 10 to 15 स्टूडेंट्स हु आर जस्ट गेटिंग ऑन डेली बेसिस, सबसे पहले वर्कशॉप में भी वही लाइव होते हैं, मैं देखता हूँ 15 मिनट पहले आके बैठे होते हैं, मैं तो बोलता हूँ यार देखो अभी तो मैं भी अभी मेरे वर्कशॉप स्टार्ट करने में 15 मिनट है, वो पहले लाइव आ जाते हैं, तो दैट्स पैशन, दैट्स मोटिवेशन आई रिक्वायर फ्रॉम एवरीवन, इस मोटिवेशन से काम करेंगे तो कैन मेक अ चेंज इन द हिस्ट्री, अदरवाइज आई एम सॉरी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो लर्निंग रेट होता है, लर्निंग रेट कह रहा हूँ, हमारे पास जो यहाँ पे लॉस फंक्शन होता है पाइटॉर्च के अंदर, वो उसको हम क्राइटेरियन कहते हैं, जस्ट फॉर एन इम्पॉर्टेंट रिमेम्बरेंस, लास्ट टाइम बता चुका हूँ मैं आप लोगों को ये, तो उसको हम क्राइटेरियन कहते हैं, देन यू आर हैविंग न्यूरल नेटवर्क डॉट क्रॉस एंट्रोपी लॉस, अब ये बिल्कुल वही लॉस फंक्शन है जो हम लोगों ने कल यूज़ करा है, देर इज नथिंग एल्स, और क्रॉस एंट्रोपी लॉस ही यूज़ होता है यूजली क्लासिफिकेशन के अंदर, तो कोई और तो यूज़ होता भी नहीं इतना खास, तो हमारे पास यही लॉस फंक्शन है, है तो बहुत सारे लेकिन ना बेसिक लेवल ना फंडामेंटल लेवल और ना इंटरमीडिएट लेवल एज वेल हम लोग यही यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्रॉस एंट्रोपी लॉस आ गया है। देन वी आर हैविंग एन ऑप्टिमाइजर एसजीडी, हमारे क्या पैरामीटर्स हैं, हमें पैरामीटर खुद से मेशर करने की जरूरत नहीं, हमने क्या बोला नेट डॉट पैरामीटर्स और फिर लर्निंग रेट दे दिया हमने 0.001। मोमेंटम क्या होता है अब डिस्कस नहीं करें तो अच्छा है, नहीं तो मेरी फ्यूचर वर्कशॉप स्पॉइल हो जाएगी, और ये आप लोग अच्छी तरीके जानते हैं, जब मैं कोई चीज़ कहता हूँ कि हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे तो हम लोग कर रहे होते हैं डिटेल के अंदर, तो अभी इसको छोड़ दें, अभी हमारा ताल्लुक सब लर्निंग रेट से, अगर हटा ही दें उसको, ठीक है हटा देते। अच्छा नाउ व्हाट वी गोना हैव हियर ट्रेनिंग द न्यूरल नेटवर्क, अब दिस इज द वर्ड वेयर थिंग्स गेट स्टार्ट इंटरेस्टिंग, ये मैंने क्यों मेंशन किया बिकॉज दैट्स द रियली इट, असल चीज़ तो मज़ा यहीं से शुरू होता है हमारा हमारा कि यार चलो अब आएगा ना मज़ा, अब काम शुरू हुआ है। अब आप लोगों को याद हो कि पाइटॉर्च के अंदर एक चीज़ थी ऑटो ग्रेड, तो अब उसकी ज़रा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क को देख लेते हैं कहाँ कहाँ होती है और कहाँ कहाँ नहीं होती है। सो हेयर फॉर इपॉक इन रेंज 10, 10 इपॉक्स आई गेस विल बी द ग्रेट, क्योंकि हम रेगुलराइजेशन आज यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो आई थिंक इट्स इनफ, मोर देन इनफ। देन हेयर वी आर हैविंग रनिंग लॉस इज इक्वल टू 0.0, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा लॉस कितना होता है, जीरो होता है, हमारे वेट्स कुछ भी हो लेकिन हमारा लॉस कितना होगा, हमेशा जीरो होगा, वेट्स हमारे रैंडम भी इनिशलाइज हो सकते हैं और जीरो भी इनिशलाइज हो सकते हैं, लेकिन लॉस हमेशा स्टार्टिंग में क्या होता है, जीरो होता है।
जब फर्स्ट आइटरेशन होती है उसके बाद हमारा डिसाइड होता है कि हमारा लॉस क्या कंप्यूट हुआ है। नाउ हियर फॉर आई कॉमा डाटा इन एनुमरेट ट्रेन नोडल कॉमा जीरो, ठीक है हमारे पास यहाँ पे इनपुट्स आ गए, इनपुट्स आने के बाद हमारे पास लेवल्स आ गए जो भी कह लो, फिर हमारे पास डाटा स्प्लिटन हो गया। ओके 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 ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो ग्रेड, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा, सब डाटा आ रहा है, ठीक है डाटा हमारे पास इनपुट में भी आ रहा है लेवल के अंदर भी आ रहा है, और कौन सा डाटा आ रहा है हमारे पास ट्रेनिंग सेट के अंदर से डाटा है हमारा पर आइट्रेशन वो आ रहा है, क्योंकि हमारे पास आई कॉमा डाटा जो है आइट्रेट कर रहा है किसके ऊपर ट्रेन ऑर्डर पे। अब आई जो है हमारे पास बेसिकली क्या है इंडेक्स हो गया, ठीक है अब जीरो हमने मेंशन ही इसलिए किया क्योंकि हम लोग को इंडेक्स भी चाहिए था, तो हमने यहाँ पे आई कॉमा डाटा लिख दिया, वी आर हैविंग इंडेक्स हेयर एज वेल, वी आर हैविंग डेटा हेयर एज वेल। अब डेटा हमारे पास है पर आइट्रेशन हमारे पास डेटा डिफरेंट होता चला जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सैम्पल्स 10 सैम्पल्स है, आइट्रेशन वन फर्स्ट सैम्पल, आइट्रेशन टू सेकंड सैम्पल, आइट्रेशन थ्री थर्ड सैम्पल, हर दफा हमारे पास डिफरेंट सैम्पल आते चले जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे अपने जितने भी ग्रेडियंट के पैरामीटर्स होंगे उनको जीरो कर देंगे, उनको वॉश आउट कर देंगे, भाई हम बोलेंगे हिस्ट्री भूल जाओ नए तरीके से काम करना है एंड दैट्स ऑल। फिर हम करेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑप्टिमाइज, हमारा पूरी जो बैक प्रोपगेशन टेक्निक है फीड फॉरवर्ड और बैक प्रोपगेशन टेक्निक यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही होगी, कैसे हो रही होगी, हमने बोला आउटपुट्स इज इक्वल टू नेट इनपुट्स, ठीक है ये हमारा न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है फंक्शन है जिसमें हमने इनपुट्स मेंशन किए जो भी हमारे इनपुट्स होंगे, लॉस मेंशन किया क्राइटेरियन, उसमें हमने आउटपुट्स मेंशन कर दिया और लेबल्स मेंशन कर दिया जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा लॉस कितना है। ये कितना आसान काम है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, 4 लाइनों के अंदर जरूर हो रहा है, टेंसिफ्लो में ये काम 1-2 लाइन में हो जाता है, लेकिन ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, इट्स प्रीटी इजी, इट्स प्रीटी 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 इजी, ठीक है ना आप लोग ये काम आराम से कर सकते हो। क्या किस तरीके से हो रहा है, हमारे पास इनपुट दिए हमारे पास आउटपुट जनरेट हो जाएंगे, आउटपुट जनरेट हो जाएंगे हम बेसिकली यहाँ पे उसको क्या करा रहे हैं कंपेयर करा रहे होते हैं अपने ओरिजिनल लेबर के साथ, और फिर जो लॉस फंक्शन होता है हमारे पास इस पर्टिकुलर लॉस फंक्शन के मुताबिक वो कहाँ पे आ जाता है हमारे पास इधर आ जाता है। जब हमारे पास इधर लॉस फंक्शन आ जाता है हम क्या करते हैं लॉस डॉट बैकवर्ड, अब यहाँ पे क्या हो रहा है डाटा हमारा बैक प्रोपोगेट हो गया, समझ रहे हो कहानी को, लॉस फंक्शन ने बताया कि कितना लॉस फंक्शन है, डाटा हमारा बैक प्रोपोगेट हो गया, बैक प्रोपोगेट होने के बाद उसने बोला ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप, एक लर्निंग रेट हमारा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है अब हमारे पास पैराबोला होता है लर्निंग कर्व, अब स्टेप्स होते रहते हैं उसके अंदर हमारे पास, लेकिन बैक प्रोपोगेशन साथ चलती रहती है, डाटा हमारा रिफ्रेश होता रहता है, सेम वी आर हैविंग दिस ईयर नथिंग एल्स, ठीक है। फिर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है जो हमने प्रिंट कर लिए, रनिंग लॉस प्लस इज इक्वल टू लॉस डॉट आइटम, अब 0.0 हमारा रनिंग लॉस है, एंड ऑफ कोर्स कि हमारे रनिंग लॉस के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस तो आएगा ना, तो जो भी डिफरेंस होगा हमारे पास इसमें रनिंग लॉस में ऐड होता चला जाएगा। अब लॉस डॉट आइटम के अंदर कोई भी नो एरर मतलब लॉस कंप्यूटेबल अभी चल रहा हो सकता है वेरिएबली, तो अब चाहे वो 20 आ रहा हो 10 आ रहा हो तो हमारे पास कोई भी लॉस आ रहा हो वो हमारे पास किस में ऐड हो चला जाएगा रनिंग लॉस में ऐड होता चला जाएगा। ओके Why I'm got silent? Okay. So तैयब का क्वेश्चन है, is there a difference between optimizer and loss function? Yeah, brother, it's a huge difference between an optimizer and loss function. अगर आपको नहीं मालूम तो मुझे आपको प्राइवेट में सेंड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी बता देता हूँ। यार देखो अगर इन शॉर्ट बताऊँ क्योंकि इस पर बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हमारी हो चुकी है ऑलरेडी, ऑप्टिमाइजर इज बेसिकली एन ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक टू हाउ टू लर्न द मॉडल, के अब हमारे पास पैराबोला होता है ना, एक पैराबोला के ऊपर मुख्तलिफ टेक्निक्स होती है हमारे पास सीखने की, एडम की अलग है ग्रेडियंट डिसेंट की अलग है, ग्रेडियंट डिसेंट का तो सिंपल होता है कि वो आगे पीछे स्टेप लेता है बस, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है, एडम का थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हमारे पास आज ग्रेडियंट डिसेंट यूज हो रहा है तो उसके हमारे पास यही होगा कि
एक पैराबोला है, तो हमारे पास आगे पीछे स्टेप्स होते हैं एज डिपेंडिंग अपॉन द लर्निंग रेट। ये हमारा लर्निंग का तरीका है। अब लॉस फंक्शन में क्या होता है, जब स्टेप्स लेता है तो हम लोग अपने लोकल मिनिमा में और उस पे कितना डिफरेंस है उसको फाइंड करने के लिए हम लॉस फंक्शन यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं कि हम एक्चुअल वैल्यू को अपनी जनरेटेड वैल्यू से कंपेयर कराते हैं, और कंपेयर कराने के बाद उस पर लॉस फंक्शन को अप्लाई करते हैं अपने, जो भी वो लॉस फंक्शन होता है, और जो हमारा डिफरेंस आ रहा होता है मीन्स कि अभी हम अपने लोकल मिनिमा से उतने दूर हैं। सो दिस इज हाउ लॉस फंक्शन इज ह्यूज, इज हाईली डिफरेंट फ्रॉम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। डोंट मिक्स दिस थिंग्स, ठीक है, इन दो चीज़ों को इसमें कभी भी मत मिलाना, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऑल राइट, सो हेयर वी आर प्रिंटिंग स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे आके पता नहीं मैं क्या पढ़ा चुका था, बट आई गॉन गॉन साइलेंट, आई नो। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब क्योंकि ना यहाँ पे डाटा बहुत सारा प्रिंट हो रहा था, तो अब मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना था। अब ये प्रिंट नहीं कर रहा था, जैसे हमारे फाइटर जो बड़ी खूबसूरत टेंसर फ्लो कहते हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ प्रिंट हो जाता है, epoch 1, epoch 2, epoch 3। यहाँ मेरे पास प्रिंट नहीं हो रहा था। मैंने कहा प्रिंट करने के लिए क्या टेक्निक की जाए, मैंने बोला अच्छा अगर यही तरीका है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, मैंने बोला इफ आई रिमाइंडर बाय 2000 इज इक्वल टू इक्वल 1999। अब आई क्या है हमारे पास, आई बेसिकली हमारे पास इसका रनिंग क्या है, इंडेक्स है डेटा के ऊपर जो आइट्रेट हो रहा होगा। तो जब भी 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000, तो जब जब 2000 के हमारे पास डिविजिबल नंबर्स होंगे और वो इसके बराबर होंगे, उसको इनके बराबर होना ही पड़ेगा। कितनी अच्छी टेक्निक है, क्योंकि जब 2000 से ऊपर चले, अब 4000 हमारे पास वैल्यू है, अब 4000 को अगर आप डिवाइड करो 2000 से तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आई का वैल्यू का कुछ डिफरेंट हिसाब किताब है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई जब हमारे पास 4000 पोजिशन पे होगी तो हमारे पास 4000 पे नहीं होगी, वो 3999 पर होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ऐसे तो 4000 पे होगी, लेकिन इंडेक्स क्योंकि हमारा 0 से स्टार्ट होगा, तो जब 4000 पोजीशन पे होगी तो हमारे पास इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 3999। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसलिए इफ आई रिमाइंडर 2000 इज इक्वल टू 1999, जो कि 3999 पे बने या किसी पे भी बने इतनी ही वैल्यू बनेगी, तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाए। तो अब इससे क्या होगा, जब जब हमारे पास 2000 की आइट्रेशन आएंगी ये प्रिंट होता चला जाएगा। क्या प्रिंट करा रहे हैं हम लोग, हम लोग प्रिंट करा रहे हैं इपॉक का नंबर, ये वर्ष सर इपॉक नंबर, और क्या हमारा सैंपल नंबर चल रहा है इस वक्त, और रनिंग लॉस क्या है हमारा। वैसे तो मैंने इसको इतना डिटेल में जो प्रिंट कर रखा है, मुझे ज़रूरत नहीं थी इसको प्रिंट करने की, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, और मुझे अंदाज़ा हो सकता है कि पर यहाँ पे नहीं, मतलब इस लूप के बाद इस दूसरे आउटर लूप की बॉडी में प्रिंट कर सकता हूँ मैं, अंदाजा हो सकता है कि मेरा लॉस क्या चल रहा है पर ईपॉक एस व्हाट वी सी इन टेंसर फ्लो। लेकिन मैंने इसको सेपरेट क्यों किया है अपनी छोटी सी लॉजिक बना के, उसकी रीजन ये था कि हमें पता चले कि विद द नंबर ऑफ आइट्रेशंस विद इन अ ईपॉक, कि जब बैक प्रोपेगेशन हो रही होती है विद इन अ ईपॉक, तो किस तरीके से हमारा डाटा लर्न कर रहा होता है, किस तरीके से हमारा लॉस डिक्रीज हो रहा होता है। अगर आप यहाँ देखो 2.155 से लेके हमारा लॉस एक ही ईपॉक के अंदर 1.461 पे ड्रॉप हो गया है, इजन दैट गुड, एक ही ईपॉक के अंदर हमारा लॉस इतना डिक्रीज हो गया। और ये काम टेंसर फ्लो के अंदर भी होता है, अगर आप टेंसर फ्लो में कभी देखो जब मॉडल ट्रेन हो रहा होता है ना, ईपॉक की नालबंदी चली जाती है, तो लॉस आएगा 10, 15, 20, फिर एकदम कम होना शुरू हो जाता है, पहले बढ़ता है फिर एकदम कम होना शुरू हो जाता है, और आके एक सुटेबल वैल्यू 9 पे आकर रुक जाएगा, फिर सेकेंड ईपॉक आएगा 5 पे आ जाएगा, थर्ड ईपॉक आएगा 3 पे आ जाएगा, फोर्थ ईपॉक आएगा 1 पे आ जाएगा। तो बेसिकली अगर आप उसको जब ईपॉक को रनिंग टाइम पे देखोगे तो उसकी वैल्यू उस वक्त भी गिर रही होती है, उसके बाद जो फाइनल लोएस्ट वैल्यू उसकी जो लॉस अटेन कर सकता है वो आके उस पर आ जाती है कि भाई इतना लॉस इसके पास मिनिमम आया। सो दैट्स द स्टोरी। यहाँ पे मैं हम वो उसको विजुलाइज नहीं कर सकते थे, उसको नहीं देख सकते थे इस तरीके से बनता हुआ, तो मैंने कहा क्यों ना हम सेपरेटली उसको स्प्लिट फॉर्मेट में प्रिंट कर दें। दैट्स इट, लॉस भी हमारे पास प्रिंट हो गया, हमारे पास इपॉक नंबर भी प्रिंट हो गया, हमारे पास मिनी बैच जो है हमारे पास वो भी प्रिंट हो गया है। हमारे पास ट्रेनिंग हो गई है, ट्रेनिंग होने के बाद जो कि जिसने लिया था कम से कम 10 मिनट, 10 मिनट की ट्रेनिंग के बाद हमारे पास लॉस आया 0.836 विच इज़ प्रीटी हाई,
इसको 0.1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा लॉस है हमारे स्टार्टिंग में लॉस। अगर आपको याद हो तो हमारे लॉस बहुत नेगेटिव नेगेटिव में आया है 95% एक्यूरेसी के साथ, तो ये लॉस बहुत ज़्यादा होता है। सो फिलहाल हम लोगों ने तो खास डील नहीं करना है एक्यूरेसी के साथ, हम लोगों ने डील करना सीनन के साथ। ऐसे किस तरह डील करेंगे आप लोग? तो मॉडल ट्यूनिंग को तो हम लोगों ने क्या करा, आज हम पढ़ेंगे एक नई चीज़ जो कि हम करेंगे मॉडल को सेव। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को प्रोडक्शन के साइड पे लेकर जा रहा हूँ, तो अब हमारी ना वर्कशॉप का स्टाइल बदलता चला जाएगा, क्योंकि अब हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूरल नेटवर्क्स पे, हमने कुछ और पढ़ लिया, फिर कुछ और पढ़ लिया। आहिस्ता आहिस्ता अब आप लोग प्रोडक्शन आ जाओगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अभी अब हम क्या कर रहे हैं, अपना मॉडल को सेव कर रहे हैं। हमने पाथ दे दिया, पाथ इज इक्वल टू डॉट सफार नेट डॉट पी टी एच, ये हमारा पाथ फॉर्मेट है, ठीक है। हमने पाथ मेंशन कर दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने ये नाम दे दिया जो कि अच्छा लग रहा है। एंड देन वी आर हैविंग टॉर्च डॉट सेव नेट डॉट स्टेट डिक्ट, और यहाँ पे पाथ आ जाएगा, ठीक है। पाथ आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ आपकी चेंज नहीं हो सकती, ये बिल्कुल वही रहेगी। और नेट क्यों यहाँ पे हमारा नाम, क्योंकि नेट इसलिए क्योंकि हमारे नेटवर्क का नाम भी नेट से रिप्रेजेंट हो रहा है। जो पूरा पूरा आर्किटेक्चर, जो पूरी पूरा क्लास जो उसकी है वो नेट से रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। इसका हमारे पास उस क्लास का ऑब्जेक्ट है इधर। तो यहाँ पे स्टेट डिक्ट से क्या हो रहा है, हमारे पास जो हमारे पास वेट्स और जो हमारे पास बायस, जो हमारे पास डेटा उस न्यूरल नेटवर्क में जनरेट हो चुका है, वो हमारे पास दोबारा ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें ये काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, हम इसके बगैर अपनी प्रेडिक्शन कर सकते थे, टेस्टिंग कर सकते थे। लेकिन मैंने कहा मैं आज आप लोगों को ओवरव्यू दे दूँ जरा से कि हाउ टू सेव अवर मॉडल इन पाईटॉर्च। ट्रांसफर में मॉडल कैसे सेव करते हैं, वी गोना लर्न नेक्स्ट वीक। लेकिन मॉडल हमने यहाँ पे पाइटॉर्च पे सेव कर दिया, फिर इसी मॉडल को हम बाद में रीयूज कर सकते हैं, इसके वेट्स को, इसके बायस को बाद में यूज कर सकते हैं। एंड हाउ वी गोना डू इन डिटेल, अभी हम डिटेल में काम नहीं कर रहे, लेकिन आज साथ हम देखेंगे हम डिटेल में काम कर रहे होंगे। तो इसको हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी, क्योंकि अगर आप ये कोड आप प्रोडक्शन में चला दोगे तो क्या मॉडल ट्रेन होगा रन टाइम पे? ऑफकोर्स ये बात है नहीं होगा। मॉडल तो आप बस एक दफ़ा ट्रेन करोगे, बाद में आप मॉडल का पैकेज इस्तेमाल कर रहे हो बार बार प्रिडिक्शन के लिए, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा होगा। नाउ हेयर वी आर टेस्टिंग डेटा सेट, हेयर डेटा सेट कह रहा हूँ नेटवर्क हेयर। तो अगर टेस्टिंग द नेटवर्क से ये बस होता है कि हम इंटरनल को टेस्ट कर रहे हैं, वी आर जस्ट टेस्टिंग नेटवर्क। तो डेटा आइटम फिर से हमें डाल दिए जिससे हमने ऊपर मैंशन किया था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास जो भी हमारे पास प्रिडिक्शन हो रही होगी, हमने बोला इमेज शो टॉर्च विजन डॉट डिटेल्स डॉट मेक वेट, हमारे पास इमेजेस आ गई, आ गई। चलो ग्राउंड ट्रूथ डॉट ज्वाइन, ये हमने क्यों लिखा कि देखते हैं कि हमारे पास कितनी अच्छी एक्यूरेसी प्रिंट आती है। मैंने बोला ग्राउंड ट्रूथ तो डॉट ज्वाइन, ठीक है। अब ये %5 स्ट्रिंग, हमारे पास स्पेस स्पेस इतना आएगा हर स्ट्रिंग के बाद, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। फिर क्लासेस हमने लेबल मेंशन कर दिए, जो हमारे पास लेबल जनरेट हो रहे होंगे फॉर जे इन रेंज 4, क्योंकि हमारे पास 4 इमेजेस होंगी। तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा, मैं दोबारा रन नहीं कर रहा उसको, उसकी रीज़न ये क्योंकि मैंने मॉडल रन नहीं करा, इट्स गोना टेक सो मच टाइम हियर। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको रन नहीं कर रहा, रन करता तो यहाँ पे हमारे पास ये टिक्स रिमूव हो जाते, क्योंकि हमने हमारा फंक्शन में हम लोग टिक्स रिमूव कर चुके थे। सो हेयर इफ यू सी कि हमारे पास मॉडल जो प्रिडिक्शन दे रहा है, इट्स गिविंग प्रीटी गुड यू नो प्रिडिक्शंस। कैट ही है, मुझे तो कैट ही लग रही है ये, मुझे खुद भी समझना मुश्किल हो रही है क्या है ये, लेकिन ये कैट ही लग रही है मुझे। तो इसको कैट दे दिया, ये तो शिप है ऑफ कोर्स, इन दोनों को शिप बोल दिया। और ये हमारे पास एक कॉनकॉर्डे का प्लेन है, बहुत पुराना था, आप लोगों के ज़माने का नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लेन भी आ गया है। सो नाउ लेट्स लोड बैक इन अर सेफ मॉडल। नोट, यहाँ मैंने नोट वही मैंशन किया है, सेविंग एंड रीलोडिंग द मॉडल वॉज नॉट नेसेसरी हेयर, वी ओनली डिड इट टू इलस्ट्रेट हाउ टू डू सो। नेट इज इक्वल टू नेट, ठीक है, आप ये काम करते तब भी ये काम हो जाता। अच्छा मैंने इसको आप या वाले से कमेंट कर दो ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि काम कैसे हो सकता है, लेकिन यू नो एक ही बात है। अब यहाँ पे मैंने नेट इज इक्वल टू नेट क्यों लिया, कि मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा ट्रेनेबल पैरामीटर्स थे ना, एक तरीके से वाइट वॉश हो जाए। अब हमारे पास आर्किटेक्चर अवेलेबल है, हमने क्या करना है, अपने वेट्स उस पर मैंशन करना है। वेट कैसे मेंशन करेंगे, नेट डॉट लोड स्टेट डिक्ट टॉर्च डॉट लोड पाथ। अब हमारे पास उस डायरेक्टरी में हमारे पास वेट्स बायस पड़ा हुआ है, उसने वो उठाया
और हमारा मॉडल विद इन अ माइक्रोसेकेंड हमारा फॉर्म हो गया। अब प्रेडिक्शन कितनी देर में आती है ये हम अभी नहीं देख रहे, लेकिन हम प्रोडक्शन में हम यही देख रहे होते हैं कि हमारे पास जब वेट्स आ जाते हैं ना, फिर हम चेक करते हैं कि 3-4 दफा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करने के बाद 3-4 न्यूरल नेटवर्क की अलग अलग प्रेडिक्शंस आ रही होती हैं, हालांकि सेम डेटा सेट के ऊपर सेम नोटबुक पर ट्रेन हुए होते हैं, बट वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस ऑन दो सिनेरियोज एज वेल। तो उन सिनेरियो में हम जो बेस्ट परफॉर्मिंग न्यूरल नेटवर्क होता है हम उसे यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा आ गया ऑल कीज मैच सक्सेसफुली, क्योंकि हमारे पास जो आर्किटेक्चर था उसके मुताबिक उसके वेट एडजस्ट हो गए थे, ऑब्वियसली हमारे प्रिंट हो गया ऑल कीज मैच सक्सेसफुली। देन वी आर हैविंग ओके, सही है। अब हमारे पास आ गया आउटपुट्स, हमने यहाँ पे दे दी इमेजेस नेट के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे सारे पास सारा आउटपुट यहाँ पे आ गया। और फिर हमने सब करने प्रिडिक्शन परफॉर्म करनी है, हमने बोला प्रिडिक्टेड इज इक्वल टू टॉर्च डॉट मैक्स आउटपुट्स कोमा वन, हमने अपेंड कर दिया प्रिडिक्टेड डॉट ज्वाइन क्लासेस प्रिडिक्टेड जे, मतलब वही काम हो रहा है जो हमारे पास यहाँ पर लेवल्स के अंदर हो रहा था, यहाँ पे हम लोगों ने प्रिडिक्टेड का बना दिया काम, अभी काम हमारे प्रिडिक्टेड के अंदर हो रहा होगा। अब जब तक मैं उसको रन नहीं करूँगा तब तक ही हमारे पास डेटा चेंज ही होगा। तो ये हमारे पास पुरानी डेटा जो रन हुआ था उसी का डेटा आ रहा है। अब ये हमारे पास था ग्राउंड डॉट जो हमारे पास लेवल्स थे, जब हमने प्रिडिक्शन चेक करी सरप्राइजिंगली हमारे पास प्रिडिक्शन भी वही आ रही है कैट शिप शिप प्लेन। देर इज समथिंग प्रीटी इंपॉर्टेंट टू सी कि हमारे पास इतनी सी प्रिडिक्शन गलत नहीं आई है कैट, ये हमारे पास एक्चुअल ट्रुथ था जो कि हमारे पास लेबल्स के अंदर अवेलेबल था, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास लेबल्स प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है प्रिडिक्शन प्रिंट हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल ट्रुथ प्रिंट हो रहा है, सो वी कैन प्रिडिक्टेड रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। तो जब हमने उसको कंपेयर करा ग्राउंड रियलिटी से सो वी सी कि हमारा मॉडल इन रियलिटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो रिजल्ट सीम्स प्रीटी गुड, लेट अस लुक हाउ द नेटवर्क परफॉर्म्स विद द होल डेटा सेट। तो ये हमारा कोड है, हमने बोला करेक्शन जीरो कर दिया, सब कुछ जीरो सेट कर दिया, और यहाँ पे अगर आपको याद आ गया हो ऑटो ग्रेड हमने बोल दिया कि मेंशन करना है लाजमी के तौर पे, क्योंकि उसके बगैर तो हमारी हिस्ट्री रिकॉर्ड ही नहीं होगी। देन वी आर हैविंग फॉर डेटा एंड टेस्ट लोडर इमेजेस कॉमन लेबल्स इज इक्वल टू डेटा, अब जो भी हमारा डेटा होगा इमेजेस लेबल पर रिटर्न हो रहा होगा, आउटपुट्स इज इक्वल टू नेट इमेजेस। अब जो हमने काम ऊपर किया था इधर सेम काम हमने अब इस पे कर देना है, आउटपुट जो डेटा कोमा वन, ठीक है। टोटल प्लस इज इक्वल टू लेबल्स डॉट साइज जीरो और करेक्ट प्लस इज इक्वल टू प्रिंट इज इक्वल टू लेबल डॉट सम डॉट आइटम, क्या काम हो रहा है बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारा लेबल्स होगा वो इस पे आ रहे होंगे, जो उनमें से करेक्ट होंगे वो कैसे पता चलेगा हमारे पास, अगर प्रिडिक्टेड रिजल्ट लेबल्स के बराबर है मीन्स दे आर करेक्ट, जितने भी करेक्ट होंगे हमारे पास वो किस में आ जाएंगे, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती चली जाएगी, किसके अंदर करेक्ट के अंदर, जब वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी उनको हम सम कर देंगे और फिर डॉट आइटमाइज कर देंगे उनको, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं ताकि हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज होंगी लाइक प्लेन शिप कैट हॉर्स, तो उन सब कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो रहे होंगे, क्योंकि हमने हर तरह का डाटा के ऊपर लिखा फॉर डाटा इन टेस्ट लोडर, तो तमाम 10 की 10 क्लासेस के अंदर ये काम परफॉर्म हो रहा होगा। नाउ एक्यूरेसी ऑन द नेटवर्क ऑन 10,000 टेस्ट इमेजेस हमारे पास क्या आ रहा है 62%, वाओ इट्स पुअर, इतनी खास नहीं आ रही है। सो लेट्स सी के क्यों हमारे पास 62% एक्यूरेसी आ रही है, कल तक हमने काम सब यहाँ तक किया था, इससे आगे हमने काम कहीं नहीं किया, आज हम उससे आगे काम करेंगे, क्या काम करेंगे हम कि हम देखेंगे कि 62 कैसे आई, किस क्लास के अंदर प्रिडिक्शन अच्छी हो रही है और किस क्लास के अंदर प्रिडिक्शन अच्छी नहीं हो रही, किस तरह देखेंगे। क्लास करेक्ट इज इक्वल टू लिस्ट 0.4i इन रेंज 10 क्लास टोटल, आप यहाँ पे जो काम हम लोग कर रहे थे ना हमने उसकी पूरी पूरी जो है ना लिस्ट तैयार कर ली है, ताकि हम चेक कर सके कि वो काम पर क्लास कैसे हो रहा है। लिस्ट तैयार करने का मैंने क्या किया फॉर आई इन रेंज 4 बना दिया, और वही काम हो रहा है, लेवल्स कंपेयर हो रहे होंगे प्रिडिक्टेड से, या आप देख सकते हो इधर वही काम हो रहा है, हमने प्रिडिक्शन जनरेट कर लिया है, तो हमने बोला सी इज इक्वल टू प्रिडिक्टेड इज इक्वल टू इज इक्वल टू लेवल्स और स्क्वीज, ये कहाँ से आया, ये बिल्कुल वही है यार अगर आप देखो, ठीक है ये बिल्कुल वही काम हो रहा है, स्क्वीज लगा दिया हमने, हमारा डाटा जितना भी आ रहा होगा सारा का सारा स्क्वीज हो रहा होगा। सो देन वी आर हैविंग फॉर आई इन रेंज 4
लेबल इज इक्वल टू लेबल्स आई, करेक्ट लेबल इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू सी आई डॉट आइटम। अब क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे कि जो भी डाटा हमारे पास पर क्लास एक्वल के हिसाब से जनरेट हो रहा होगा वो उस पर अपेंड होते चले जाएगी उसकी वैल्यूज के। हाँ ठीक हो गया, वन ऐड हो गया, ठीक हो गया, वन ऐड हो गया। अब जब वन ऐड होता चला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10,000 इमेजेस थी एग्जाम्पल के तौर पर और 7,000 वैल्यू आ रही है वन ऐड कर करके, तो एक्यूरेसी क्या बनेगी 7,000 ऑफ 10,000 की 70%। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्यूरेसी कैलकुलेट कर रहे होंगे। सो इफ वी मूव फर्दर, आई गेस दिस इज अ बग, आई डोंट नो व्हाई इट मेक्स मी साइलेंट ऑल द टाइम। ऑलराइट, फॉर आई, अच्छा सो फॉर आई इन रेंज 10, अब हमने एक सिंपल ये काम परफॉर्म करने के बाद अब हम देखेंगे कि काम कितना अच्छा परफॉर्म हो रहा है। सो दो लिस्ट थी हमारे पास, एक क्लास करेक्ट थी, क्लास टोटल थी। हमारा टोटल डाटा इसी में अपेंड हो रहा था कि कितनी क्लास हमारी करेक्ट थी और कितनी क्लासेस हमारे पास टोटल जैसे अवेलेबल है। सो लेट्स सी, क्लासेस आई कॉमा 100 इंटू क्लासेस करेक्ट आई डिवाइड बाई क्लासेस टोटल। अब ये क्या काम हो रहा है हमारे पास, कितने डाटा हमारे पास जो होगा जो करेक्ट हुआ होगा पर्टिकुलर क्लास के अंदर और कितना डाटा हमारे पास टोटल है उस क्लास के अंदर, डिवाइड कर रहे हैं हम उसको, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से ताकि हम लोग उसको प्रिंट कर सकें ऐसे 0.71 ना आए, 71 आ जाए, ठीक है ना, थोड़ा सा खूबसूरत सा। और फिर हमने यहाँ पे क्योंकि हमने डेसिमल में प्रिंट कर रहे हैं हम लोग पॉइंट्स नहीं दे रहे तो पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, या हमने परसेंट लगा दिया तो परसेंट भी प्रिंट हो गया। तो अब अगर हम एक्यूरेसी चेक करें तमाम क्लासेस की, एक्यूरेसी ऑफ प्लेन, एक्यूरेसी ऑफ कार, एक्यूरेसी ऑफ बर्ड, एक्यूरेसी ऑफ कैट, तो एक्यूरेसी ऑफ बर्ड, एक्यूरेसी ऑफ कैट बहुत कम है, एक्यूरेसी ऑफ डॉग बहुत कम है। तो मतलब एनिमल्स में तो बहुत ज़्यादा गिर गया है। फ्रॉग में अच्छा खासा आ गया, चलो 67, चलो सही है, बराबर ही है ऑलमोस्ट। शिप ट्रक तो अगर हम देखें तो 70s यू नो एक मेजर एक्यूरेसी चल रही थी, लेकिन बर्ड, कैट, डियर, डॉग के अंदर एक्यूरेसी बहुत गिर गई। अगर ये 70% मेंटेन रहती तो हमारी जो परसेंटेज थी टोटल ओवरऑल एक्यूरेसी की वो 62 ना रहती, वो 70 हो जाती। इट्स लुक लाइक मेरे कभी मार्क्स आ रहे हो ये, और किसी एक सब्जेक्ट में से पूरे पूरे मार्क्स गिर जाते हैं तो ये वाली कहानी हो रही है। सो दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सिंपल से कोड थे पाइटॉर्च के। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी बदली बदली सी लगी सो डोंट वरी, आई एम जस्ट हैविंग अ नॉर्मल फीवर टुडे। तो एनीवेज, सो व्हाट वी जस्ट परफॉर्म टुडे इज जस्ट बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइटॉर्च, उसके अलावा हमने कुछ भी काम नहीं किया है। हाँ एक नया काम हमने ये किया कि एक मॉडल को सेव करके देखते हैं कि मॉडल सेव हो गया, डेटा उस पर से उठा लिया, फिर हमने वेट्स उस पर से उठा लिया। और उसके अलावा अगर हमने कोई काम किया वो क्या किया है, वो ये किया कि बाय क्लास हमने काम चेक करा कि किस तरीके से हम एक्यूरेसी पर क्लास मालूम कर सकते हैं। क्या ये काम हम टेंसरफ्लो में कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, ये बात को देखना कैसे कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक दो फंक्शन के नेम चेंज होंगे, उस पर टेंसरफ्लो का यूज़ हो जाएंगे, देयर शुड, बाकी कोड पूरा ये यूज़ होगा, ठीक हो गया। सो नाउ इफ, बाकी ये काम टेंसरफ्लो में ज़्यादा आसान है, ये काम टेंसरफ्लो में बहुत आसान है। सो नाउ इफ यू गाइस आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन प्लीज आस्क मी राइट नाउ। सो या एनी क्वेश्चन गाइज, विद इन जस्ट 2 वीक्स आई एम गोना लाइव माई शॉर्ट API बेस्ड वेबसाइट, जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ मुख्तलिफ सर्विसेज इंशाल्लाह लाइव कर दूंगा वाला वेबसाइट, जो कि हमारे पास नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती वेबसाइट के ऊपर, और होती हैं सो दे आर कमिंग विद द वेट एड्स, वेट फॉर्म ऑफ एड्स, अडल्ट एड्स आ रही होती हैं उस पर। सो आई एम लुकिंग टूवर्ड्स दोज थिंग्स सर्विसेज, लाइक बहुत सारे वहाँ पर APIs होती हैं जो कि पेड होती हैं, और जो पेड नहीं होती तो सही से अवेलेबल नहीं होती, तो मैं उनको लाइव कर रहा हूँ एंड सोन यू गोना हैव दोज ऑल APIs वर्किंग इन वर्किंग कंडीशन ऑन अ वेबसाइट इंशाल्लाह। सो लेट्स सी हाउ मच फास्टर आई कैन गेट ऑल दोज APIs। अच्छा एक मैं सारे रन करता हूँ, तो भाई किसी को सवाल है तो पूछ लो। मीन वाइल आई एम ऑल्सो रनिंग माई एंटायर नोटबुक हेयर, सो इफ यू आर नॉट हैविंग एनी क्वेश्चन
सो लेट मी नो एज वेल। मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया या फिर सब समझ में आ गया, तो ये काम हो सकता है। ऑफ कोर्स फ्रॉग शिप ट्रक कार ग्रेट ओके। असल काम ना ट्रेनिंग के अंदर होता है, ट्रेनिंग के अंदर ये बहुत टाइम लेता है। अगर ये ट्रेनिंग में टाइम ना ले रहा हो, रन टाइम हमने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, जीपीयू पे भी तो देर ले रहा है ये। तो एनीवेज ट्रेनिंग में ये बहुत टाइम लेता है, अदरवाइज मैंने लाइव ट्रेनिंग पहले ही कर दी होती है इसकी। गाइस एनी क्वेश्चंस? अब एक क्वेश्चन आया मेरे पास फ्रॉम एनोनिमस के पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो में मार्केट में क्या डिफरेंस है, जिसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, या आप साथ देखते जाना कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, पाइटॉर्च एंड टेंसरफ्लो बोथ आर पैरेलल यूज्ड। हाँ, लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि टेंसरफ्लो स्टूडेंट लेवल पे, रिसर्च लेवल पे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है आजकल। पाइटॉर्च अब थोड़ा बिजनेस में इन्वॉल्व होती जा रही है तेजी के साथ। पाइटॉर्च इस बिट में भी डिफिकल्ट इन इनिशियल टाइम्स, इन इनिशियल लेवल लर्निंग, लेकिन एडवांस लर्निंग में पाइटॉर्च उतना ही आसान भी है। एडवांस लर्निंग में टेंसरफ्लो मुश्किल हो जाती है, एडवांस लर्निंग में पाइटॉर्च आसान हो जाती है। तो बिजनेस में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। कंप्यूटर विजन के अंदर पाइटॉर्च ज़्यादा अच्छी चलती है। जब बात आती है आपके पास टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, टेक्स्ट सेगमेंटेशन की, जो कि NLP में ही आ गया, सो देन वी आर हैविंग टेंसरफ्लो ऑन बोर्ड। तो ये था मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन जो मैंने देखा है सो फार इन अ वर्ल्ड इन अ मार्केट। दैट्स ऑल। अच्छा जी, और कोई सवाल? ऑल राइट, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम अली अली सेट के, ये आई डोंट नो हु इज अली, अपना फुल नेम तो बताओ। देर आर सो मेनी अलीज इन द ग्रुप, आई एम कंफ्यूज नाउ। अच्छा, अली का ये सवाल है कि मैंने अपवर्क पर अकाउंट बनाया है, इट्स नॉट गेटिंग अप्रूव। यस, इट कैन हैपन ब्रदर। जब मैंने अकाउंट बनाया तो मेरा भी अप्रूव नहीं होता 2 हफ्ते तक, सो डोंट वरी। और एक बात सब 2 हफ्ते पुरानी है, तो 2 में 3 महीने पुरानी, 2 महीने पुरानी है। जब मैं मशीन लर्निंग की वर्कशॉप्स करा रहा था तभी मैंने बनाया था। मुझे फ्रीलांसिंग में इतना मज़ा नहीं आता, बट पीपल सेड कि दैट यू कैन अर्न मोर ऑन द फ्रीलांसिंग इफ यू स्पेंड 6 months और 8 months देयर। देयर इज व्हाई आई हैव क्रिएटेड माय अकाउंट, और 2 months तो हो गए एंड आई हैवंट मेक सो मच मनी बिकॉज आई हैवंट पुट माई टाइम देयर एज वेल। टाइम लगाऊंगा पता चल जाएगा कितना अर्न करता हूँ, तो अभी टाइम लगाने का टाइम नहीं मिल रहा मेरे पास। ऑल राइट गाइस, एनी क्वेश्चन और नॉट? इफ यू आर नॉट हैविंग एनी क्वेश्चन सो लेट मी नो। मॉडल ट्रेन नहीं हुआ अभी तक, अरे तो बहुत देर लेगा। सो मीन वाइल वी कैन एंटर वर्कशॉप विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। आज क्वेश्चन बहुत कम है और आज स्टूडेंट्स 50% कम है। क्या रीज़न है कि मोटिवेशन ख़त्म हो गई है या डीप लर्निंग पढ़ी नहीं जा रही, क्या रीज़न हो सकती है? प्लीज़ गो टूवर्ड्स द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ना मेरे पास ना कहीं और किसी और के पास। जो आप यहाँ से पढ़ सकते हो आप कहीं और से नहीं पढ़ सकते। सो प्लीज़ लुक ऑल ऑन दिस डॉक्यूमेंटेशन, स्टडी करो। हो सकता है मैं आज रात एक बुक शेयर कर दूं आप लोगों से पाइटॉर्च की, उसको भी देख लेना एंड यू विल लव इट बिकॉज इट्स अ गुड वन। अभी इस वाले कंप्यूटर पे नहीं पढ़ी हुई, मेरे पास मैकबुक में पढ़ी हुई है, वहां से उठा के यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। गाइस एनी क्वेश्चन, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन सो प्लीज लेट मी नो, और आई एम गोना लीव द वर्कशॉप। Oh, within 2 days, all. ठीक है, तो फिर आप वर्कशॉप को खत्म ही कर लेते हैं। मैं कल पता है अपने बैठ के खुद से एडिटिंग कर रहा था वर्कशॉप की अपनी वीडियोस की, तो मुझे कितना स्पेस का काटना पड़ता है बीच में इसमें से। मतलब 1.5 घंटे की वर्कशॉप होती है ना, वो आके फिर 1.25 घंटे की हो जाती है। इतना हम फर्क टाइम हम ऐसे ही खाली खाली बैठे रहते हैं, वो पता नहीं आप लोग कैसे बैठे रहते हो मेरे साथ। मतलब तो बोर हो जाता हूँ अपनी वीडियो अपनी आवाज़ सुन सुन के। कितना हो गया? ऑल राइट, इट्स गोइंग टू टेक मच टाइम। तो मैं व्हाट्सएप पे इसके इमेज रिजल्ट शेयर कर दूंगा। सो मीन वाइल इफ यू आर नॉट हैविंग क्वेश्चंस, अच्छा तो ये मैं सेट दिस इज टफ नाउ। सो अच्छा टफ है ये, दिस इज टफ नाउ सो क्वेश्चन आर लेस आफ्टर एग्जीक्यूशन इट क्लियर्स। अच्छा
सही है, मुझे याद आ गया कि आपको ये गिटअप पे चाहिए होगी, तो मैं इसको गिटअप पे डाल देता हूँ। ओहो, गलत टाइम पर डाउनलोड कर लिया मैंने इसको, पहले पूरा रन होने देता हूँ इसको, फिर उसको गिटअप पे डाउनलोड कर लूँगा मैं और फिर डाल भी दूंगा। सो यू कैन प्रैक्टिस इट, अभी 5 मिनट में आ जाएगी गिटअप के ऊपर। सो या गुड वन, हो सकता है यही हो जाओ, लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल लग रही है आपको, तो मंडे को फिर बहुत मुश्किल वर्कशॉप आने वाली है। सो गेट रेडी, मंडे को मुश्किल वर्कशॉप आने वाली है। ठीक हो गया, सो वी गोना मीट यू ऑन मंडे इंशाल्लाह, एंड मंडे देर विल बी नो सीन, एंड ऑफ कोर्स देर विल बी अ डिफरेंट डीप लर्निंग एल्गोरिथम, एंड बिसाइड्स डीप लर्निंग एल्गोरिथम, अब हमारा काम एक एक दिन पे होगा, मतलब एक दिन टेंसरफ्लो, एक दिन पाइटॉर्च, इंशाल्लाह ऐसे काम चलता रहेगा हमारा, रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स मेंटेन रहेंगे, एंड सून वी गोना डाइव इनटू आवर व्हाट यू कैन से प्रोडक्शन लेवल, यू नो, डीप लर्निंग क्लास, डीप लर्निंग मास्टर क्लास वर्कशॉप्स। तो इस हफ्ते जो नेक्स्ट वीक हमारा आ रहा है, अभी भी हमारे कुछ ट्रेडिशनल डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स होंगे जो आप लोग नॉर्मली सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके नेक्स्ट वीक हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमारी जंप्स बहुत स्टार्ट तेजी से स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट वीक बिल्कुल ट्रेडिशनल है, उसके बाद हम लोग जंप करेंगे आस्ते आस्ते स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स पे। उसके बाद वाला जो वीक होगा वो टोटली गैन स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स के ऊपर होगा, जो कि यू गोना बी ब्लैकआउट, जनवरी का जो लास्ट वीक होगा। फिर फरवरी के स्टार्ट स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक जो है वो भी आई गेस फर्स्ट फरवरी का फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक वो NLP के ऊपर होगा, एंड यू विल बी लाइक यार कैसे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक हो गया, अब बाकी बात रह गई कि अर्निंग कैसे करनी है AI के अंदर। सो आई एम राइटिंग अ ब्लॉग ऑन इट, ठीक है, इनशाला वो ब्लॉग 2 हफ्ते बाद में रिलीज कर दूंगा, क्योंकि मैं रिसर्च करने के बाद वो ब्लॉग लिखूंगा, एंड देन यू कैन रीड इट। ब्लॉग 15 से 20 मिनट का होगा, आराम से पढ़ते रहना, यू विल सी दैट हाउ यू कैन अर्न ऑन AI। उससे पहले मैं एक ब्लॉग लिखूंगा विच इज गोइंग टू बी ऑन AI इज अ फ्यूचर एंड विद जनरल प्रूफ, एंड वाई इफ पीपल आर नॉट लर्निंग AI हाउ दे आर मेकिंग अ कंट्री वर्स। जो मतलब जनरेशन, जो कौम अभी इस वक्त इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ऊपर स्टडी नहीं कर रही, इट्स नॉट ऑल अबाउट AI, इट्स अबाउट 3D प्रिंटिंग, क्रॉस रियलिटी प्लेटफॉर्म, AR, VR, मतलब मिक्स रियलिटी जो आ गई हमारे पास, एंड फोर्थ वन आई फॉरगॉट इट, द फोर्थ वन कौन सी थी भाई, चार थी हमारे पास, आई फॉरगॉट इट टोटली। सो दोस नेशंस हु आर नॉट लेटिंग आवर यूथ स्टडी दीज थिंग्स आर मेकिंग देयर कंट्री वर्स, क्यों यू विल सी इन द ब्लॉग विद जस्ट रिसर्च एंड प्रूफ, मैंने बहुत रिसर्च करी है इसके ऊपर, एंड यू विल सी दैट। ऑलराइट, सो गाइस अल्लाह हाफिज, बाय बाय। सो वी गोना, अच्छा ये हमारा पास हो गया रन ऑलमोस्ट, सो वी कैन स्टे वन वन मोर मिनट टू सी कि हमारे पास क्या एक्यूरेसी अटेन होती है। आप लोगों का मैं टाइम ले रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ मेरे पास अब 100 अटेंडीज रह गए। अच्छा जितने भी अटेंडीज है ना, प्लीज 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 RSVP जरूर कर दिया करो, अगर कभी क्लास लेने का वोट ना हो, भले बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हो, रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई है कुछ, तो वो भी हो जाएंगी, नेवर माइंड, वीकेंड आ रहा है मेरे पास, थोड़ा फारिग हो जाऊंगा, तो प्लीज RSVP कर दिया करो, अदरवाइज आई एम नॉट गोना हैव एनी रिकॉर्ड कि आप नई क्लासेस ली हैं या नहीं ली हैं, मेरे लिए मसला हो जाएगा सर्टिफिकेशन देने में बाद में। ठीक है, तो बाद में लोग आ जाते हैं सर्टिफिकेशन नहीं मिलनी, कंपनसेट कर दें, आई लिटरली हैव ह्यूज ट्रबल इन दो सिनेरियो कि किस तरीके से मैं उनको कंपनसेट करूँ, आई कैन नॉट कंपनसेट बिकॉज दो सर्टिफिकेट्स आर ऑथेंटिक, पेलम पाली वाला काम नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, जस्ट सॉरी फॉर दोज वर्ड्स। ऑलराइट, सो जस्ट रनिंग आउट रनिंग आउट, दो रह गए, जल्दी हो जाओ यार। लास्ट टाइम 0.9 तक चला गया था, लेकिन आज मेरा नहीं ख्याल, बस लास्ट ये हो गया, लास्ट हो गया। इजेंट दिस अमेजिंग कि मैं आप लोगों से बातें करते करते पढ़ा रहा होता हूँ आप लोगों को। नॉर्मली अगर आप वर्कशॉप में जाके देखोगे ना, तो बच्चे बोर हो जाते हैं, मेरे से भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं यार ये ना बस अपनी लंबी कर रहा है और भागो यहाँ से, लेकिन यहाँ से बच्चे पता नहीं भागते क्यों नहीं है, मैंने ट्राई किया 10-15 दफ़ा, अब इस दफ़ा एक्यूरेसी बहुत बुरी आ गई है, तो इससे बेहतर है कि हम लोग क्लास को एंड ही कर रहे हैं। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।